घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. Or visit teamsabarwal.com. Your search ends here. जी बिल्कुल ठीक सुना, और आपकी और हमारी इंतजार की घड़ियां हुई खत्म, और हमारे अपने के सबरवाल साहब हमारे साथ है। और वेलकम सर, हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच रणवीर जी, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स। 3 हफ्ते का गैप आ गया बीच में। बिल्कुल बिल्कुल, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने प्लान ऐसे किया था कि भाई वेडनेसडे को मैं शो करके रात की फ्लाइट से चला गया था, और आज सुबह सुबह की फ्लाइट से आ गया। आज भी बुधवार ही है, ताकि मेरे 2 बुधवार खराब ना हो। जी और आप काफी सवाल होते हैं लोगों के, और आप हमेशा बड़े प्यार से जवाब देते हो। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और पीके साहब, पहले तो आज ही की बात करते हैं जो जी, आज वो जो बढ़ गया इनका इंटरेस्ट रेट 50% उम्मीद थी, मेरे को 50% उम्मीद थी, क्योंकि पीछे जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो आया था 60,000 जॉब्स का, तो वो उससे मुझे लग रहा था। कुछ इकोनॉमिस्ट भी इकोनॉमिस्ट का भी 50-50 था कि भी ये बढ़ेगा अभी, नहीं तो सितंबर में पूरी उम्मीद थी, लेकिन इन्होंने अभी बढ़ा दिया। मुझे लगता है कि शायद इस साल का ये आखिरी था। घटने की तो उम्मीद अब नहीं है जल्दी इतनी, क्योंकि वो अब जो कह रहे हैं इन्फ्लेशन, जो पहले कह रहे थे कि 2% तक लेके आएंगे 2024 के मिडिल तक, अब वो कह रहे हैं 2025 के मिडिल तक आएगा। यानी कि अगर इन्फ्लेशन लेट होता जाएगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस हैं। मुझे लगता है कि ये आज का इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाने के बाद शायद इन्फ्लेशन की फिगर और नीचे आएगी, और जॉब की और चीज की फिगर ठीक इनके हक में जाएंगी। देखो जी, 10वां इंक्रीज है रणबीर जी, पिछले 16 महीने में 10वां इंक्रीज है। 0.25 जो था उससे बढ़कर पूरा 4.75 बढ़ गया, 475 बेसिस पॉइंट, और 2001 के बाद ये हाईएस्ट है इस वक्त। इंटरेस्ट हाईएस्ट 2001 के बाद है। काफी आ रहे हैं पीके साहब, और मैं वन बाय वन पूछूंगा, क्योंकि आप जानना चाहते हैं। कल मैं उनका ये जनरल कंसर्न था कि आपको क्या लगता है कि जो इन्होंने इतना बढ़ाया है, ये वाकई रिक्वायर्ड था एज पर मार्केट, क्योंकि इन्होंने बहुत डाउन कर दिया था कि नहीं था? क्योंकि देखो सर, बात ये ना कि इन्फ्लेशन तो नीचे आना शुरू हो गया था, तो अभी ये रुक भी सकते थे, इसीलिए इकोनॉमिस्ट जो थे 50-50 के करीब थे कि जब रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं तो वेट कर लो। पर इनको जल्दी मची हुई है, जल्दी इसलिए मची हुई है कि वो कहते हैं कि भाई नहीं, हमने इन्फ्लेशन 2% लाना है। इनको ये डाउट हो गया था कि अब 2024 के मिडिल तक 2% नहीं आ सकता। अच्छा, तो इसीलिए वो 25 तक कह रहे हैं, मिडिल 2025 तक आ जाएगा। तो वो जो है जो उनका टारगेट था उससे स्लो हो गया ना काम। तो और उसके अलावा देखो, ये शॉपिंग रुकी नहीं रही, शॉपिंग मॉल भरे हुए हैं लोगों की, आउटलेट मॉल में देखो गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं। बाज भी तो नहीं आ रहे ना सर, प्रॉब्लम तो ये भी है, बाज नहीं आ रहे। बट लेकिन ओवरऑल बाइंग पावर को कम करना चाहते हैं, बाइंग पावर कम नहीं हो रही। हाँ, बाइंग पावर कम नहीं हो रही, पर ओवरऑल जो इसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट पे पड़ा है वो बहुत ज्यादा पड़ा, जो देखने में आया। उसका आपका क्या नजरिया उसका? देखो, रियल एस्टेट के सबसे ज्यादा असर तो ये पड़ा कि मार्केट में इन्वेंटरी आनी शुरू हो गई। जो सेलर रुके हुए थे कि भाई नहीं, अब तो प्राइस और बढ़ेंगे तब बेचेंगे, अब उनको लगने लग गया कि प्राइस बढ़ने मुश्किल है या नॉमिनल से बढ़ेंगे, तो वो मार्केट में इन्वेंटरी जो आ गई वो गुड साइन है। तो एक तो वो आ गया, इन्वेंटरी मार्केट में आ गई, और दूसरा मेरा ये मानना है कि जो पहले क्वालिफाइड नहीं था वो अभी भी क्वालिफाइड नहीं है, और ज्यादा नहीं है। जो पहले क्वालिफाइड था वो अभी भी ले सकते, जो क्वालिफाइड है। हाँ, ये बात अलग है कि ठीक है जी, उनका बाइंग पावर थोड़ी सी कम हुई, वो थोड़ा सा छोटा कर ले लेंगे, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने से अगर प्राइस कम होते तो सर, जो अभी लेटेस्ट फिगर जो आई है अभी डिफरेंट रियल एस्टेट बोर्ड्स की, अभी जो आरबीसी ने भी, रॉबर्ट हुक साहब ने भी कहा कि फरवरी के बाद, इसी साल फरवरी के बाद बेंचमार्क प्राइस जो है वो जीटीए के अंदर 8.9% बढ़ गया, $96,000 कीमत बढ़ गई, जो कि जो गिरी थी पिछले साल उसका आधा तो बढ़ गया। तो अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने से रुकता तो फिर अब तक क्यों नहीं रुक जाता ये? बात ये है रणवीर जी, से मेरा मानना है ना कि लोग बी लेंडर की तरफ भाग रहे हैं, प्राइवेट लेंडर की तरफ भाग रहे हैं, वहाँ 10-10% ले रहे हैं, अभी भी तो उनको यहाँ पर 6.5% मिल रहा है, तो कहते क्यों ना ले भी, हमें तो सस्ता पड़ रहा है अभी भी। लेकिन मिलना बड़ी प्रॉब्लम है, ना कि इंटरेस्ट प्रॉब्लम है, इसका मिलना लोन प्रॉब्लम ज्यादा है। 96,000 एवरेज बेंचमार्क जो प्राइस बढ़ा है फरवरी के बाद अभी तक, मार्च अप्रैल मई जून 5-6 महीनों में, तो
जितना घटा था उसका हाफ तो बढ़ गया, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का क्या असर हुआ? जून तक जो बढ़ा था वो 4.7 हो गया था, वो 5 हो गया। मेरे को लगता है रियल ये बात मैं मानूंगा कि ये मार्केट जो आग लगने वाली थी वो नहीं होगी, ये बैलेंस मार्केट आगे रुक जाएगी। एक ढंग से मार्केट जो चला करती थी पिछले दो डिकेड से 2% 3% साल का बढ़ना, ये वो वाले सिचुएशन मुझे नजर आ रही है। आप स्टूडियो में कॉल करें 416-593-0005, आपके मैसेज में 1x1 पढ़ता हूँ। एक आपके साथ मैसेज आया कि आई ऑलरेडी बॉट ए प्रॉपर्टी एंड क्लोजिंग इन सितंबर, रीसेल में लिया मैंने घर सितंबर में, थर्ड वीक में क्लोजिंग है, तो अभी मैंने रेनोवेशन करके बेचना था तो मुझे बेचने में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी अभी? देखो जी लॉस्ट अभी रेनोवेशन बेचना था तो रेनोवेशन पे डिपेंड करता ना, ये तो बिल्कुल सिनेरियो बदल गया ना जी। अगर ये खरीद के बेचते एज इट इज तो प्रॉब्लम आ सकती थी, क्योंकि लैंड ट्रांसफर टैक्स और कमीशन और ऑल दोस चीज खा जाती हैं। लेकिन रेनोवेशन करने के बाद अब कितनी अच्छी रेनोवेशन करते हैं, कितना मार्जिन रेनोवेशन रखते हैं, और लॉस तो नहीं होना चाहिए पर प्रॉफिट भी ज्यादा होने की मेरे को उम्मीद नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा आग नहीं लगी जितनी खरीद की, और रेनोवेशन करके इमीडिएटली बेचने का टाइम मेरे ख्याल से नहीं है। नहीं नहीं, उन्होंने ऑलरेडी प्रॉपर्टी खरीद ली है तो अपना घर उन्होंने बेचना खरीदनी है। ओके 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 ओके, खरीदने के लिए फिर रन डाउन घर खरीदे जिसको रेनोवेट करने में मजा भी आए और कुछ फायदा भी हो, और छोटी मोटी जो कॉस्मेटिक इम्प्रूवमेंट करके तो मुझे लगता है फायदा नहीं होगा। सर आजकल तो 50,000 डॉलर तो 60,000 बल्कि 70,000 तक तो खर्चा ही आया था रियल्टर की फीस और लैंड ट्रांसफर टैक्स क्लोजिंग कॉस्ट। जी जी जी, और वो कह रहे थे कि मतलब जैसे एक सेमी डिटैच घर है 2200 स्क्वायर फुट का, तो कहते हैं कि आपके हिसाब से कितने ही जाना चाहिए ब्रैम्पटन में? नहीं नहीं, ऐसे नहीं बता सकते तो उसकी एज एरिया ऐसे कैसे बता सकते हैं, जब तक एरिया ना पता हो, इंटरसेक्शन ना पता हो, कितने स्क्वायर फीट है, उसका डिजाइन कितना है, क्या तो फ्लोर प्लान क्या है, ऐसे नहीं बता सकते सर। वो हमें कॉन्टेक्ट कर लें, हम उसको एक घंटे के बाद बता देंगे, हमारा ऑफिस कॉन्टेक्ट करके बता देगा। 6472994757 पे बात कर सकते हैं। और बाकी जैसे आपने कहा कि ये लास्ट हो सकता है इस साल का, इस साल का आखिरी मुझे लगता है, और अगर रिजल्ट अच्छा आना शुरू हो गया, पॉजिटिव आना शुरू हो गया तो वैसे ही लास्ट हो जाएगा ये। अगर फिर भी रिजल्ट में देरी हुई तो हो सकता है अगले साल फिर एक दो बार बढ़ा दें। पर एक एक ट्रेंड मैंने देखा है रणवीर जी, आपने भी देखा होगा अभी रियल्टर है, कि जो बायर्स की टेंडेंसी है बाहर निकलने की ज्यादा फिर बढ़नी शुरू हो गई है, क्योंकि वो ले नहीं पा रहे। जो हॉटस्पॉट है ना, जो वहां से बाहर, जैसे टोरंटो की बात करें, जीटीएस की, हैमिल्टन की बात करें, वो जहां बाहर निकले तो ऑटवा और वैनकूवर से बाहर निकल रहे हैं, और या तो आउटस्कर्ट में जा रहे हैं जीटीए से बाहर निकल रहे हैं थोड़ा सा और वहाँ सस्ता, और या फिर अगर बड़े स्केल में बात करें तो फ्रेजर रैली, कैलगरी, एडमिंटन, मॉन्ट्रियल की तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है जो प्राइस स्प्रिंग में जो सबसे ज्यादा बढ़े हैं वो टोरंटो, वैनकूवर और ब्रिटिश कोलंबिया के कुछ हिस्सों में बढ़े हैं, बाकी जगह में इतने ज्यादा नहीं बढ़े, तो ये भी कारण हो सकता है। पर एक गुड न्यूज सामने जैसे मैंने बताई ये भी थी कि सेल्स के लिए जो इन्वेंटरी मार्केट में आनी शुरू होगी, तो वो बायर तो रेडी है खरीदने के लिए, पर सिर्फ अफोर्डेबिलिटी की बात चल रही है और उनके लोन की बात चल रही है, वो बाहर भी जाने को तैयार है। मेजोरिटी ऑफ द बायर्स आर रेडी टू कम्यूट, एक एक घंटे की कम्यूट करने के लिए हमारे ऑफिस में मैसेज आते हैं, जब एक घंटे का भी कम्यूट कर लेंगे हमें घर दिला दो, एंड दैट इज नॉट ए बैड आइडिया एट ऑल। घर मिल जाएगा तो अपने आप सब कुछ सेट हो जाएगा। नेक्स्ट कॉल प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। हेलो, हाँ जी सबरवाल जी, वेलकम बैक। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपकी आवाज भी सुने बड़े दिन हो गए थे, 3 हफ्ते। जी बात ये है, ये जो इन्होंने स्टेप किया ना, क्वार्टर परसेंट जो बढ़ाया है जी, ये मैं बता दूं ये मिस फायर हो जाएगा इनका, इसलिए कि मार्केट में, रियल एस्टेट मार्केट में अभी लोगों ने थोड़ा वो जो पिछले बढ़े थे ना उससे थोड़ा सा हजम कर रहे थे बात को, उसको थोड़ा सेटल डाउन हो रहे थे। अब ये सोच ये रहे हैं, वैसे तो ये जो अभी इन्होंने 250 पता नहीं 300 डॉलर लोगों के अकाउंट में डाल दिए, ये कर दिया वो कर दिया, पैसे खुद लोगों के हाथ में दे रहे हैं और साथ कहते स्पेंडिंग ना हो, एक तो ये बात है। दूसरी बात, रियल इस्टेट में ये जो स्ट्रेस टेस्ट है उस पर तवज्जा क्यों नहीं देते? इनको स्ट्रेस टेस्ट पे तवज्जा दे तो मार्केट कुछ टिक कर जाएगी, और ये इनको फिर एक बढ़ाना पड़ेगा। ये मेरी बात आज नोट कर ले, ये एक पे खत्म नहीं होगा, इनको 0.25% फिर बढ़ाना पड़ेगा, इन्फ्लेशन फिर भी कंट्रोल नहीं कर सकेगी। जी जी जी, देखिए बात ये है कि ये जो है ना आपका प्रॉपर्टी कहाँ रुकी मुझे बताइए, प्रॉपर्टी तो फिर भी बढ़ गई, इंटरेस्ट रेट का प्रॉपर्टी के ऊपर वो असर नहीं पड़ा जो ये, हाँ आग लगने वाली बात नहीं रही पर कंट्रोल करने में तो काबू रहे ये लोग। और ये सिर्फ रियल स्टेट रेजिडेंशियल की बात नहीं हो रही सर, इंटरेस्ट रेट बढ़ने का जो सबसे बड़ा फर्क जो पड़ा है ना वो पड़ा है बिजनेसेस को। हम बिजनेसेस को डिस्कस नहीं करते अपने टॉक शोज में इसलिए वो अवॉइड हो जाते हैं, लेकिन बिजनेसेस को बहुत जबरदस्त फर्क पड़ा है इंटरेस्ट रेट बढ़ने का। यहाँ तो चलो ठीक है जी, आदमी प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाया, लेकिन बिजनेसेस के अंदर जो लोगों ने इंटरेस्ट ले लोन ले रखे हैं, मेरे अपने ही कुछ
टेनेंट्स, मेरे अपने ही कुछ टेनेंट्स प्रॉब्लम में है। एक को तो मैंने ताला लगाना पड़ गया, एक को ताला लगाते लगाते रुक गए, बस वो नोटिस था अगले दिन ताला लग जाना था, तो एक दिन पहले उन्होंने पेमेंट कर दी और एक को ताला लग गया और दो तीन और तंग कर रहे हैं। तो बिजनेसेस में ज्यादा फर्क पड़ा है सर, क्योंकि वो ऑलरेडी, और जब बिजनेसेस में फर्क पड़ गया तो ये इन्फ्लेशन नीचे आएगी आएगी, आप देख लेना, और बल्कि रिसेशन का टेंडेंसी रिसेशन की बन जाती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाती है। तो ठीक है, इनका टारगेट आ रहा है, पर ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जरा जल्दी कर दी इन्होंने इस बार। हम उम्मीद कर रहे थे कि इनको कम से कम 6 सितंबर तक रुकना चाहिए था और तब तक देख लेते कि उससे पहले रिपोर्ट और आ जाती इन्फ्लेशन की, तो चलो फिर उसके बाद ये डिसीजन लेते। चलो एक बात आपको और बताऊं, ये जो इन प्रॉपर्टी कीमत बढ़ी थी ना, और अभी भी जब लोगों को ये पता चल गया था ना आज से 3 महीने पहले कि अब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे, वो सोच की वजह से ही प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई थी, लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, अब नहीं बढ़ेंगे। ये एक होता है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है इंसान के ऊपर, क्योंकि अब ये डर है कि कीमत और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ये डर अगर बना रहेगा तो बाहर मार्केट में रुके रहेंगे और सेलर अपनी इन्वेंट्री लेके आ जाएगा कि और मार्केट में गिर जाए। लेकिन जिस दिन ये पता चल गया कि इंटरेस्ट रेट बना रुक जाएगा, देख लेना मार्केट फिर गर्म होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके आगे पूरा एक फ्यूचर आ जाता है कि हाँ अब ये मेरा इंटरेस्ट रेट होगा, ये मेरी किस्तें होंगी अगले कुछ साल के लिए, ये मेरी प्लानिंग होगी, ये मेरा पोर्टफोलियो है, ठीक है जी मैं ये प्रॉपर्टी ले सकता हूँ। लेकिन जब आप अंधकार में है, धुएं में है, पता ही नहीं चल रहा कि आगे क्या होगा, तो हर आदमी रुक जाता है। वो जो कीमतें बड़ी थी, जिस सब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि इकोनॉमिस्ट ने बोलना शुरू कर दिया था कि ये लास्ट है, अब शायद नहीं बढ़ेगा, तो उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट पड़ गया था जी। एक मैसेज तो आया मुझे, आई डोंट नो क्या अपना जवाब जैसे भी देना चाहे, कहते हैं रशिया यूक्रेन जो वार है, ये भी लगता है आपको कि इट इज अ फैक्टर फॉर इंक्रीजिंग रेट? बिल्कुल है जी, तो उसी ने तो इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा कारण ही यही था सर। ऑयल देखो कहां से कहां चला गया उसकी वजह से, ऑयल कहां से कहां चला गया और अल्बर्टा बूम क्यों कर गया उसकी वजह से, तो उसका तो असर है ही, पूरी दुनिया में उसका असर हुआ सर। कोविड के बाद जख्म में नमक डाल दिया, वो वाला हल किया, तो हमारी फ्लाइट जो इंडिया से 14 घंटे में आती थी, आज मैं जो आया हूँ 16.5 घंटे में आई है, वो मास्को के ऊपर से आई नहीं है, वो घूम के आई है, तो ये हर चीजों का असर पड़ रहा है ना सर। दैट्स राइट। और नेक्स्ट कॉल प्लीज, नेक्स्ट कॉल। हेलो जी सबरवाल साहब, मैंने ये पूछ रहा आपसे कि ये जो गवर्नमेंट है ये अक्सर जगहों पे मेंटल हेल्थ के ऊपर बड़ा जोर देते हैं, ये मॉर्गेज भरने से लोगों की इतनी मेंटल हेल्थ पिछले 2 साल से डिस्टर्ब हुई हुई है, पता नहीं लगता कि कितने पैसे बढ़ जाने हैं, इसका कौन जिम्मेदार है मुझे बताएं? मेंटल हेल्थ सर, मैं बताऊं आपको, मेंटल हेल्थ मॉर्गेज बढ़ने से, पहली बात आपकी एग्जैक्ट जो आपने डायलॉग मारा है, मेंटल हेल्थ मॉर्गेज बनने से खराब हुई, तो मेंटल हेल्थ मॉर्गेज बनने से उन्हीं लोगों की खराब हुई जिन्होंने या तो अपनी हिम्मत से ज्यादा बढ़ा लिया हुआ था, या कईयों की जॉब चली गई, वो अनफॉर्चुनेट है, कईयों की प्लानिंग खराब। तो अगर हिम्मत से ज्यादा महंगा ले लिया तो मेंटल हेल्थ के अंदर कुछ उनका भी तो कसूर है ना सर। अगर मेरी इनकम जस्टिफाई कर रही है कि मैं 6 लाख का ले सकता हूँ छोटा सा टाउन होम, और मैं दिखावट के लिए बड़ा सेमी टैच या डिटैच ले लेता हूँ, तो मॉर्गेज के साथ साथ मैं भी तो बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। मैं अक्सर कहा करता हूँ मेरे मालिक, जो जमीन में बैठा है वो कभी गिर ही नहीं सकता। एक बंदा जो जमीन में बैठा है वो कहाँ गिरेगा मुझे बताओ? जमीन में बैठने का मतलब यह है अपनी चादर के हिसाब से पैर फैलाए हुए और छोटा सा कर लिया हुआ है, शाम को चाय पकौड़े खा रहे हैं, बच्चों के साथ बैठे एंजॉय कर रहे हैं, वो आपका एक कमरे का महल है, पर वो जमीन में बैठा हुआ है। लेकिन जो हवाइयां कर रहा है, कंपटीशन कर रहा है, मेरे दोस्त के पास ये मकान है, तो मेरी बहन के पास वो मकान है, या मेरी मासी के पास, मेरे अंकल के पास, मेरे पड़ोसी के पास, मैं ये कर दूंगा, अपने खड्डे खुद खोद रहे हैं सर, और फिर वो मेंटल हेल्थ खराब होती है, फिर ब्लेम हम सरकार को दे देते हैं। मॉर्गेज का फर्क उसको क्यों नहीं पड़ा जो जमीन में बैठा है? मॉर्गेज का फर्क उसी को पड़ा ना जिसका मकान है, जिसका मकान ही नहीं है। मुझे कोई कहता है सर आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ने में कितने का फर्क पड़ा, मेरे को मुझे तो फर्क पड़ा नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने देना ही नहीं, जब मैंने किसी का देना ही नहीं, मेरे को फर्क कहां से पड़ गया, बल्कि फायदा हो गया। फायदा क्या हो गया कि अब हमारे जो हमने जो थोड़े बहुत पैसे इंटरेस्ट में चढ़ा देते हैं, हमारा इंटरेस्ट हमने बढ़ा दिया। मतलब यह ने क्या है कि आपका पोर्टफोलियो आप कैसे मैनेज करते हैं इसमें आपकी मेंटल हेल्थ डिपेंड करती है ना सर। साइकिल पे चला के अगर मैं ऑफिस चला जाता हूँ, मैंने कई गोरों को यहाँ पर भी देखा है, तो सर एक सेहत अच्छी और दूसरा खर्चे कम, लेकिन मुझे कार के अंदर भी बड़ी कार चाहिए, अपने लिए खड्डे खुद ही खोद लिए और फिर बाद में मेंटल हेल्थ खराब हो गई। ठीक है ये इंटरेस्ट रेट बढ़ना, मैं मानता हूँ इस बात को आप, लेकिन सवाल ये है कि कुछ कसूर सर, ज्यादा कसूर तो हमारा ही है, मैं तो ये मानूंगा। मैंने यहाँ पर देखा है 4-4, 5-5 लाख की इनकम करने वाले छोटे से मकान में बैठे हैं, दिल खुश होता है, और मैंने वो भी देखे हैं 1-1.25 लाख की इनकम वाले
डेढ़ डेढ़ मिलियन के मकान बैठे हैं, ए बैंक से ले लिया, फिर बी से ले लिया, अब प्राइवेट लेंडर से नौबत आई हुई है, मेंटल हेल्थ वैसी खराब हो गई। मेंटल हेल्थ खराब हुई तो मियां बीवी का झगड़ा शुरू हो गया, तलाक के केस बढ़ गए, बच्चे बिगड़ गए, उनके साथ बैठना बंद कर दिया। ये जिंदगी को जीनी है, क्या ही रिजवा से लड़ाई होगी, खुल्द में घर ये घर याद आया। ये शेर कितना जबरदस्त है, एक अच्छी अच्छी खासी जिंदगी, हंसता खेलता घर वो स्वर्ग है। मरने के बाद जब ऊपर गए तो रिजवा स्वर्ग के ठेकेदार से लड़ाई हो गई कि तेरा खाक स्वर्ग है, स्वर्ग तो वो था जो मैं पीछे छोड़कर आ गया। क्या ही रिजवान से लड़ाई होगी, खुल्द में घर ये घर याद आया। और जिसने अपना घर यही नरक बना रखा है तो ऊपर वाला नरक मेरे को लगता है ज्यादा अच्छा है। जी जी जी। और एक लास्ट कॉल टेक। हेलो साहब, नमस्कार। नमस्कार सर। सबरवाल साहब, एक बहुत ही मैं थोड़ा सा बड़ा अफसोस मेरे को होता है कि जब आपने को जब किसी आदमी को घर खरीदना होता है तो वो अपनी इनकम के हिसाब से तो खरीदता है, लेकिन मान लो अगर $10,000 वो कमा रहा है और 3,000 की मोर्गेज वो लेता है और वो बढ़ के 6,000 तक पहुंच जाती है। गवर्नमेंट एक वन साइडेड इज कैपिटलिस्ट सिस्टम, दैट्स जस्ट लाइक एक्सप्लॉयटेशन, यू नो। बजट जो है वो आदमी अपनी मोर्गेज का डिसाइड करता है अपनी इनकम के हिसाब से। अब जैसे आज आप कह रहे हो कि अपनी औकात के हिसाब से हर आदमी ले लेता है, लेकिन जब वो गवर्नमेंट के डिसीजन जब डबल रेट 2% से लेके 6% तक पहुंच जाता है तो वहां पर कौन जिम्मेवार है उसमें? वो थैंक यू, मैं आपको जवाब देता हूं पहले इस बात का। थैंक यू वेरी मच, ये पॉइंट आपने उठाया, थैंक यू वेरी मच। पहली बार मेरे कॉम्प्लीमेंट्स आपको, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया सर। एक बात, दो बातें होती हैं। एक बात ये होती है कि आपकी मॉर्गेज कितनी आप महीने की दे रहे हो, और दूसरी होती है आपकी कितनी में अप्रूव थी। अगर आपकी मॉर्गेज आप दे रहे थे मान लीजिए 5% और आज वो हो गई है 7%, तो सर आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप 5% के हिसाब से बजट बना रहे हैं, लेकिन आपकी जो अप्रूवल हुई थी प्राइम प्लस 2 हुई थी, या आपका जो जितने में आपको लिया प्लस 2 हुई थी। तो आप अगर ये मान के चलते हैं कि मेरे को इंटरेस्ट रेट मैं 5% के हिसाब से दे रहा हूँ लेकिन मेरी अप्रूवल 7% के हुई है, तो आपको वो 2% आपको एक साइड में रखना चाहिए था। आप कह रहे हैं जी मेरी बढ़ गई, तो आपकी अप्रूवल भी तो बड़ी में लगी थी ना। आज जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको जो आपका इंटरेस्ट रेट आपको मान लो बैंक 5% दे रहा था, लेकिन आपकी अप्रूवल तो 7 के ऊपर हुई थी ना सर, या 7.5 पे हुई थी, क्योंकि 5.25 प्लस 2 7.5 से हुई थी। तो आपको अपनी बजटिंग 7.5 में करनी चाहिए थी ना, 5 में क्यों करी आपने? क्योंकि उन्होंने पहले ही आपको 2% ऐड किया हुआ है अफोर्डेबिलिटी में, क्योंकि ये पता है कि कल को प्रॉब्लम आएगी तो आप 2% कहां से लाओगे। कसूर मॉर्गेज का है, आई ए फुली एग्री विद यू, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें हमारा भी साथ में पूरा कसूर है ना, मैं ये कहना चाहता था सर जी। और पीके साहब का नंबर नोट कर लें, 6472994757। और पीके साहब कोई प्रोजेक्ट के बारे में बात जी, रणबीर जी मैंने गलत तो नहीं कहा, आप बोलते जी मैं 5% के हिसाब से पैसे दे रहा हूँ, लेकिन आपकी अप्रूवल तो 7.5 के हिसाब से हुई थी ना, आप 7.5 क्यों नहीं काउंट करते आप? फालतू पैसे वो क्यों नहीं बचा के रखते फॉर रेनी डे? वेल सर, वेल सर, ठीक है सर। इसीलिए वो करते हैं कि आपका जो अफोर्डेबिलिटी के लिए उन्होंने रूल ला के रखा हुआ है, और यही पिछली बार जब मकलन साहब ने कहा कि उसी चीज ने बहुत लोगों को बचाया है, क्योंकि अभी कई लोग बैंकक्रप्ट हो चुके होते हैं जी। अब जाते आते मैं प्रोजेक्ट की बात करूं, मैं जैसे आज सुबह आया हूं, मैं आज सुबह 11 बजे घर पहुंचा हूं। सैटरडे को हम लोग ओपन हाउस कर रहे हैं फॉर रिवर एंड स्काई की वुडस्टॉक में जो प्रोजेक्ट है फन ब्रुक और क्रिस्टल बिल्डर का, हम लोग ओपन हाउस कर रहे हैं हमारे न्यूजन ऑफिस में 1 से 5। लेना हो या ना लेना डजंट मैटर, आके मिलना हो, बैठ के गप्पे मार रही हो, चाहे हमारे साथ बैठ के पीनी हो, आप आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। 1 to 5 दिस सैटरडे न्यूजन के ऑफिस में हमारा ओपन हाउस है, आप आके हमें मिल सकते हैं। रिवर स्काई जो वुड स्टॉक में प्रोजेक्ट आया है टाउन एंड सेमी डिटैच का फन ब्रुक एंड क्रिस्टल होम्स, इट्स ओपन हाउस, एनीबडी कैन वॉक इन, बट आई वुड प्रेफर अगर आप मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल के अपना नाम लिख दे कि मैं आ रहा हूँ, तो एक स्वागत अच्छे ढंग से किया जा सकता है। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 6472994757। आई रिपीट, 6472994757। ओपन हाउस फॉर दिस सैटरडे 1 to 5 एट न्यू जनरेटी एक्सपर्ट्स ऑफिस। थैंक यू वेरी मच रणबीर जी, बहुत मेहरबानी, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट मुलाकात होगी। थैंक यू।